सीपी अपनी रिपोर्ट जमा कराएगा कोर्ट में। अच्छा शबर जारी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मईशत के काफी माहिर है, उनसे जरा मजीद बात करते हैं कि मईशत के हवाले से क्या ही जवाब बनाया जा सकता है। भाई मईशत जबूहाली का शिकार है, हम इतने पैसे नहीं निकाल सकते हैं या हम सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दे सकते हैं। शबर साहब सर ये ऑप्शन है इस वक्त, क्योंकि आज जो काबीना ने फैसला किया कि कौमी असेंबली में मामला लेकर जाया जाएगा, क्या कहेंगे सर? देखिए मेरा जाती व्यू है कि इलेक्शन की पोस्टपोनमेंट 90 डेज का जो है उसको फाइनेंशियल बेसिस पर कोई रीजन नहीं है कि उसको आप डेफर कर सकते, ठीक है। और टोटल डिमांड जो है वो 20 बिलियन पीस की है और आपका जो बजट का टोटल आउटले है वो 7,500 बिलियन है। 7,500 बिलियन में 7,500 बिलियन कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, तो ये जो बात हो रही है ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है 20 बिलियन गवर्नमेंट को अरेंज करना गवर्नमेंट के लिए, जिसका टोटल आउटले टैक्स का सिर्फ आउटले 7,500 बिलियन है, वो कोई इतनी बड़ी सब्जेक्ट नहीं है। कल से एक और बहस भी चल रही है ना कि ये इकोनॉमी की इमरजेंसी लगा सकते हैं बहुत सारी नहीं। देखिए मेरी बात एक आप याद रखिए, मैंने पहले भी किसी को कहा है कि आइन में कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी का क्लॉज ही नहीं, ये लोगों को गलत फहमी है कि कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी का कोई क्लॉज है या कोई इमरजेंसी का क्लॉज है, मुझे मैं नहीं समझता। कोई भी आबिद गरी साहब आपके साथ मौजूद हैं, मेरे हिसाब से कोई भी प्रोविजन आइन की 60 डेज से आगे तो प्रोविजन तो ये भी नहीं था ना कि 90 डेज के बाद इलेक्शंस होने हैं, वो भी तो हम जा रहे हैं ना उसी उसमें मेरा ख्याल रास्ता ही कोई नहीं है। आप अगर आप डेड एंड पे आ गए हैं तो डेड एंड है, ये डेड एंड है, 60 डेज डेड एंड, इससे कोई रास्ता मुझे नहीं नजर आता। कोई आइन की कोई शिख भी ये अलाउ नहीं कर सकती कि जब असेंबली डिसॉल्व हो गई है तो आप उसको 90 डेज से आगे ले जा सके। ये जो 15 दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं ये भी पता नहीं उनके पास राइट था या नहीं था, नहीं वो बीच में दिन जो जाया हुए ना बहुत सारे उस वाले से किया नहीं, कि कोई नहीं, वो भी देखना पड़ेगा, मगर मैं नहीं समझता कि केयर टेकर गवर्नमेंट 60 डेज के बाद किसी भी हाल में रह सकती। ठीक है इमरान भाई सर ये बताइएगा, एक तरफ आके सोचें, लेट सपोज अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सोच देख